पर हाँ, बहुत से व्यक्ति ये कहते हैं कि वो विष्णु का अवतार है। तो सोच लो, समझ लो, तोड़ तोल कर उत्तर दो। करना चाहोगे मेरा ये कार्य? आपने मुझे मुक्त किया है महाराज, आपका ऋण है मुझ पर। वो बालक विष्णु का अवतार हो या स्वयं विष्णु, मेरे लिए आपका ऋण चुकाने की इच्छा से अधिक और कुछ नहीं। मैं इसी क्षण गोकुल जाऊंगा और उस बालक को उठाकर आपके सम्मुख लाऊंगा और आपके सम्मुख लाकर उसका वध करूंगा। आप निश्चिंत होकर महल जाइए महाराज, शेष कार्य आपका ये सेवक करेगा। मैंने कही थी ना यशोदा जी, बहुत शीघ्र चलने लगे हो। देखो तनिक और एक बार निकट आओ तो सही, जहां तक मेरी पहुंच है बस किसी तरह वहां तक पहुंच जाओ। ना लल्ला, इस सीमा के बाहर ना जाना है। मैया सही कह रही है पुत्र, तनिक बड़ा हो जा फिर जाना। बाहर जाना ना, थोड़ी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। थोड़ी ना, बहुत प्रतीक्षा करनी है अभी। हाँ नहीं तो प्रतीक्षा तो मुझे करनी पड़ रही है, पर कब तक? कभी ना कभी तो मेरे पहुंच तक आओगे ही। उचित अवसर की ताक में अब से प्रतीक्षा मेरी आंखों में बसेगी। नंदलाला, दिन हो या रात, आज से मेरी आंखें सदैव तुम्हारे द्वार की ओर ताकती ही रहेंगी। चले गए थे आप, और ये सब कैसे हुआ? आप ठीक तो है ना? बहुत पीड़ा हो रही है क्या? इससे आनंददायक तो और कुछ भी नहीं अस्ति। स्वामी, आप स्वस्थ तो है ना?
पूरी तरह स्वस्थ हूं मैं। और अब वो स्वस्थ नहीं रहेगा क्योंकि विनाश गोकुल की ओर अग्रसर है। देख लेना तेरे जन्मदिन के दिवस के दिन सारी गोपियां कितना सज धज के आई हैं, देख लो। तेरे जन्मदिन के स्नान की तैयारी यहाँ चल रही है और तू है कि बाहर, देख रहा है। मुझे स्नान कराने के लिए इतना सारा प्रबंध, आप तो प्रसन्न हो ना? लल्ला का पहला जन्मदिन है फिर भी उत्सव छोटो ही रखो है मैंने। चले उत्सव समाप्त हो जावेगो जानकी, शीघ्र चल चल। वैसे बरसाना जाने की क्या आवश्यकता थी, मावा तो गोकुल में भी मिल जातो। मिठाइयों के लिए सबसे उत्तम मावा चाहिए था उन्हें। वे तूने सही कहा, उत्सव का आनंद तो पक। क्या होगा कच्छू ना, मैं तो बस यही कह रही थी कि उत्सव का आनंद तो पकवानों से ही आता है। हाँ जन्म दिवस का उत्सव नहीं, मरण दिन का मातम मनाया जाएगा आज पूरे गोकुल में। लल्ला उत्सव तो भीतर है, तू बार बार बाहर क्या देख रहे है? कान्हा तैयार हो जा, आज ये सारी गोपियां मिलकर तुम्हें स्नान करवाएंगी। पहले पूरे गांव का विनाश करूंगा, फिर उस बालक पर विपत्ति बनकर टूट पड़ूंगा। आज कंस के दरबार में उत्सव मनाया जाएगा, कंस के शत्रु की मृत्यु का उत्सव। क्या हुआ, मुझ पर विश्वास नहीं रहा क्या? विश्वास तो आप पर अटूट है महाराज, पर अतीत में मिली असफलताओं की सूची लंबी है, इसीलिए जिसे आपने भेजा है उस आंधी के दूत पर विश्वास करना तनिक कठिन हो रहा है। जिसे मैंने भेजा है उसके अतीत के बारे में जानकर
असफलता का संदेह भी मृत्यु का वरण कर लेता है कि कहीं तृणाव्रत की शक्तियों से उसका सामना ना हो जाए। तृणाव्रत? वही तृणाव्रत जिसके आतंक से सदियों पहले महान ऋषि तक घबरा गए थे और उन्होंने वर्षों की भीषण तपस्या की जिससे उसे एक विशेष संदूक में बंदी बनाकर रखा जा सके। आतंक का साक्षात रूप उस महान तृणाव्रत को मैंने मुक्त कर दिया है और अब वो मुझे मेरे शत्रु की छाया से मुक्त करेगा, मृत्यु प्रदान करेगा उस विष्णु अवतार को मृत्यु। सुनो, जैसे ही उस बालक की मृत्यु का समाचार प्राप्त हो तो तीन बार तीव्र स्वर में देवकी और वसुदेव के सामने घोषणा करवाना। आनंद और भी बढ़ जाएगा। नंदराज, रानी भाभी, बाहर का वातावरण बहुत बिगड़ता दिख रहा है। मुझे तो कुछ चिंता की बात ना लग रही। पल भर को मुझे ऐसा लगो कि जैसे भयंकर रूप बिगड़ ना रहो है, सुहावना होगा है। मेरे कान्हा का जन्मदिन है ना, तो तीव्र वायु चला के प्रकृति बधाई दे रही है। विनाश के संकेत दे रही है मैया, ये सावधान होने का समय है। मैं चलती हूँ यशोदा, कहीं पिछली बार की जैसे आंधी आ गई तो भीषण समस्या हो जाएगी है। संक्री मौसी, मेरे लल्ला का जन्मदिन है, इतनी शीघ्र क्यों जा रही हो? अरे जानकी कस्तूरी, तुम सब कहाँ चली? भाभी, जाने का मन तो मेरा भी ना है, किंतु जाना पड़ेगा। घर की कुंडी भी ना लगाई मैंने। हाँ भाभी, और मुझे भी देखना पड़ेगा कि घर पे सब ठीक है कि ना। क्षमा करियो जीजी, मैं चलती हूँ। यशोदा, लगता है मैं द्वार और झरोखे खुले ही छोड़ आई हूँ, जाकर संभालती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं और बलराम भोजन के समय से पहले ही आ जाएंगे। सुलक्षणा, तू भी? मेरे पापड़ बाहर चटाई पर सुखाए थे, इधर उधर हो गए तो सारा श्रम व्यर्थ हो जाएगो। पर कान्हा के जन्मदिन का भोज तो खाने आ जाना। अरे कोई आए ना आए, मैं तो अवश्य आऊंगी, और सबसे पहले भोजन व्यर्थ थोड़ी ना जाने दूंगी मैं। हाँ यशोदा, मैं अभी तनिक गौशाला देख कर आता हूँ। बंसी चलो। जाने दो सबको लल्ला, तेरे जन्मदिन का उत्सव मनाने के लिए मैया और लल्ला हम दोनों ही पर्याप्त हैं। बात तो सही कही मैया, पर मुझे तो इस अनचाहे अतिथि को भी संभालना है। अन्नप्राशन से पहले भी यही हुआ था और आज भी अचानक प्रकृति देवी क्रोधित हो गई है।
हे नारायण, जे उत्सव के समय ही कोई ना कोई विघ्न क्यों आ जाता है? मैं तो बस तेरा जन्मदिन विशेष बनाना चाहती हूँ लल्ला। मेरा बस चले तो सारे संसार को विवश कर दूं कि ये दिन उत्सव के जैसे मनाए। पर मैं तो अपना जन्मदिन आपके साथ मनाकर ही प्रसन्न हूँ मैया। अच्छा जी, तो तू भी अपना जन्मदिन केवल अपनी मैया के साथ मना के ही प्रसन्न है? तो बता पहले क्या करें, गीत गाए कि नृत्य करें? बता। मैं संगीत बजाऊं प्रभु? आनंद आ रहा है? आज तेरा जन्मदिन है काना, जितना मन करे उतना उड़। ये असुर तो मेरी आशा से भी अधिक निकट आ पहुंचा है। मैया के सामने इसका सामना कैसे करूं? वो बालक जिसके लिए महाराज कंस ने मुझे यहाँ भेजा है। और तुम हो वो त्रिनावत जिसके काल ने स्वयं पुकार कर उसे यहाँ बुलाया है। लगता है तुझे उड़ना बहुत प्रिय है। चिंता मत कर बालक, आज तेरे साथ तेरी माँ को भी उड़ा कर ले जाऊंगा। ऊंचाई से गिरकर जब वो प्राण त्यागेगी देखने में बहुत आनंद आएगा। जिस कंठ से तुमने ये अपशब्द मेरी मैया के बारे में कहे हैं, आज उसी कंठ से तुम्हारे प्राणों का हरण करूंगा त्रिनावर। ये मैया के सम्मान के लिए एक पुत्र का वचन है। महाराज कंस को वचन दिया है मैंने, आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, स्वयं विष्णु भी नहीं। ये दुष्ट तो मेरी मैया को भी हानि पहुंचाना चाहता है। मुझे शीघ्र ही कोई उपाय खोजना होगा ताकि मैया मेरे साथ खेलना छोड़कर भीतर चली जाए और मैं इसका सामना कर पाऊं। इतना भारी कैसे होगा? या मैं ही थक गई? चल लल्ला बैठ के खेलते हैं। हाँ बैठ जा। अरे मैया तो यहीं बैठ गई, अब क्या करूं? मैं मैया के सामने त्रिनावर्त को नहीं आने दे सकता और ये भी मुझे छोड़कर भीतर नहीं जाएंगी। वायु तीव्र हो रही है लल्ला, भीतर चले। एक उपाय है, बहन योगमाया सहायता करो ना। यशोदा, तदरा
आने दो उन्हें। इसके जन्मदिन का आशीर्वाद देने आई है ना बहन। मैया को शीघ्र ही भीतर ले जाओ और हाँ, इन्हें अपनी माया के प्रभाव में रखना ताकि ये कुछ समय तक मुझे भूली रहे और मैं इस राक्षस से युद्ध कर सकूं। आपकी सीख बहुत काम आई मेरे। जैसा आपने बताया था ना, वैसी मालिश करती हूँ इसकी। मैं तो बताना ही भूल गई, कान्हा नाम है इसका। वैसे तो कृष्ण नाम रखो है, पर आप भीतर आइए ना। धन्यवाद बहन। बस अब मैया को तब तक बाहर मत आने देना जब तक मैं अपना कार्य समाप्त ना कर लूं। अब आओ त्रिनावर। मेरी परिक्रमा करने आए हो क्या त्रिनावर? नहीं, तेरा काल बनकर आया हूँ। तो ये सत्य है कि तू विष्णु का ही अवतार है। अब तो और भी आनंद आएगा इस युद्ध में। तेरी हत्या करके कंस के दरबार में आज के युग का सबसे महान राक्षस बन जाऊंगा मैं। जिस कार्य को उतना भी करने में अक्षम सिद्ध हुई, वो कार्य ये करके दिखाएगा। महान राक्षस योद्धा तृणावर्त। देखना, ऐसे दबोच लेगा तृणावर्त उस बालक को अपनी मुट्ठी में। बहुत खिलखिला रहा था ना, अब मुस्कुरा कर दिखा। जब तुझे महाराज कंस के सामने आकाश में ले जाकर भूमि पर फेंकूंगा, तब कैसे मुस्कुराएगा विष्णु अवतार? आज तृणावर्त उस दुष्ट बालक को मेरे सामने लेकर आएगा और तब उत्सव मनाइएगा महाराज। आने वाले सुख की कल्पना करके प्रसन्न नहीं हुआ जाता, भाग्य को बुरी दृष्टि लग जाती है। मुझे पूरा विश्वास है कि त्रिनाव्रत अपना दायित्व अवश्य पूरा करेगा, पर कार्य पूरा होने के बाद उसकी घोषणा करना बुद्धिमानी मानी जाती है महाराज। कुछ अधिक ही बोलने लगी हो,
छुई मुई सी प्राप्ति के मुख में उसकी जीव अपना अस्तित्व खोजना चाहती है। उसे सीमा में रखो। आप तो कछु खा ही ना रही, तनिक तो लो। चक्कर बताओ कैसा लग रहा है? मैं आपके लिए छाछ लेकर आती हूं। जसोदा, हाँ? छाछ के स्थान पर मीठी लस्सी मिलेगी। हाँ, आप यही रुको, मैं कान्हा को बाहर ही छोड़ आई हूँ। न जाने ऐसा क्यों लगू मेरा लल्ला संकट में है। माँ की ममता को कौन सी माया बांध पाई आज तक भला? कान्हा, 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 कहाँ गयो, कहाँ गयो? अद्भुत है अपनी संतान के लिए इस माँ की ममता। अपनी सुरक्षा का ध्यान तक नहीं है, परंतु अपने पुत्र की रक्षा के लिए इस महाभयंकर झंझवात से लड़ने चली गई है। तुझे क्या लगता है मैं तुझे भ्रमण के लिए ले जा रहा हूँ? रुक, तुझे और ऊपर ले जाता हूँ, तभी तुझे ऊंचाई से गिरने के भय का अनुभव होगा। मैं कोई खेल नहीं खेल रहा हूँ बालक, तेरे प्राण संकट में हैं। जब तुझे इतनी ऊंचाई से नीचे फेंकूंगा तो तेरा तन इतने भागों में बढ़ जाएगा कि समस्त गोकुलवासी भी तेरे तन को समेट नहीं पाएंगे, और मथुरा में महाराज कंस प्रसन्न होकर नृत्य कर उठेंगे। तब तो यहाँ जो हो रहा है कंस मामा को दिखाना चाहिए मुझे। वो देखो, वो रहा तृणावर्त उस बालक के साथ। वाह तृणावर्त वाह! इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। मैं प्रभु की सहायता के लिए जाऊं या नहीं? इस राक्षस के दंभ को शीघ्र ही तोड़कर मुझे मैया के पास लौटना होगा। इसे मेरी मुस्कुराहट से चिढ़ है, तो अब यही बनेगी मेरा अस्त्र। इन्हें तो मेरी सहायता की आवश्यकता ही नहीं है, यदि होगी तो ये सदैव की तरह मेरा स्मरण अवश्य करेंगे। तब तक उचित क्षण की प्रतीक्षा करनी होगी मुझे। ऐसी भीषण आंधी आज तक गोकुल में ना आई। मुझे लल्ला और यशोदा को संभालना होगा, कहीं वो भयभीत ना हो जाए। ओला बंजी, बंजी। यशोदा। कान्हा ना मिलो। कान्हा कहाँ? कहीं मिला?
नहीं मिलना। लल्ला। बोला मत भी ना। लल्ला। काना। बोला पंची। चल। पंची उठो। बोला। बोला उठो। तुम दोनों ठीक तो हो ना? कान्हा कहाँ है? नंदा जी, आंधी में कान्हा की रक्षा करने का प्रयास किया था हमने। प्रयास किया था? इसका क्या अर्थ है? रानी भाभी, हमने देखो कि बहुत तीव्र आंधी आ रही थी। हम कान्हा को बचाने के लिए भागे भी, परंतु हमारे पहुंचने से पहले ही हमें भयानक आंधी ने घेर लियो और हमें उठाकर यहाँ पटक दियो। ना जी, आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना हो, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। आंधी कितनी भी भयानक क्यों ना, मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरे कानों को कुछ हानि ना पहुंचा सकती। मेरा हृदय कह रहा है कान्हा ठीक ही होगा, किंतु है कहां कान्हा? यशोदा कछु ना होगा कान्हा को। कान्हा चलो ढूंढो कान्हा को। कान्हा बड़ी शीघ्रता है तुझे यमलोक में जाने की, तभी तो मेरी पास में जकड़ा हुआ भी मुस्कुरा रहा है। तनिक ठहर और अधिक ऊंचाई पर ले जाकर फेंकूंगा तुझे, तेरी सारी मुस्कुराहट विलीन हो जाएगी। चलो त्रिनावर, अब मैं भी देखता हूँ तुम कितना ऊपर उठा पाते हो मुझे। और ऊंचाई पर ले जाने वाले थे मुझे। कान्हा, 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 अचानक पहाड़ जितना भार कैसे आ गया इसमें? अभी से घबरा गए त्रिनावर, अभी तो मैंने तुम पर अपने भार का मात्र एक छोटा सा अंश डाला है। ये बच्चा तो किसी विशाल पर्वत की तरह भारी हो गया है। त्रिनावर फेंक दो उसे। लल्ला, कान्हा, कान्हा, हमारे कान्हा को कुछ ना हो सकता, वो ठीक होगा ना जी? कहाँ गया कान्हा? इतनी शीघ्र पराजय स्वीकार कर ली? बस बहुत हुई तेरी माया, अब समय आ गया है, तुझे यहीं से नीचे फेंकूंगा। सत्य कहा त्रिनावर, समय आ गया है। छोड़ मुझे, छोड़। अवश्य छोड़ूंगा, जब तुम्हारे प्राण इस तन के बंधन से छूट जाएंगे तब। वो नन्ना सा बालक, नन्ना सा बालक ऋणा व्रत का वध कर रहा है। छोड़, मैं कहता हूँ छोड़ मुझे। पंची, तुम उस तरफ देखो। बोला, तुम उधर जाओ।
काना! तुम चिंता ना करो यशोदा, मिल जाएगा हमारा कान। तुम रुक कर प्रतीक्षा करो, मैं स्वयं ढूंढ कर लाऊंगा लल्ला को। ना, रुक कर प्रतीक्षा ना होगी मुझसे। मैंने अकेला छोड़ा था उसे, मैं भी चलूंगी आपके साथ। चलो काना। लल्ला काना छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। काना काना पल पहले ये मुस्कुराहट मेरे लिए क्रोध का कारण थी, किंतु अब इससे अधिक सुंदर, इससे अधिक दिव्य और कुछ नहीं हो सकता। उस समय तुम असुर तृणावर थे और अब मेरे भक्त सहस्राक्ष, जो इस जन्म में हुआ वो तुम्हारे पिछले जन्म के सुकर्मों और कुकर्मों का फल था। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। पिछले जन्म में तुम पांडु नरेश राजा सहस्राक्ष थे। तुमने मेरी बहुत भक्ति की थी, पर एक भूल ने तुम्हें असुर के रूप में जन्म लेने पर विवश कर दिया। कैसी भूल प्रभु? एक बार तुम्हारी सेविकाएं तुम्हें नदी में स्नान करवा रही थी, तुम आनंद में इतने मग्न हो गए थे कि वहां से यात्रा करते महर्षि दुर्वासा का अभिवादन तक न किया। एक ऋषि को देखकर अनदेखा कर देना, आनंद में लीन होकर सहज शिष्टाचार भूल जाना, राक्षस प्रवृत्ति है ये। महर्षि, मैं तुम्हारे इसी राक्षसी व्यवहार के कारण तुम्हारा ये क्षण भंगुर शरीर उसी क्षण में भंग हो जाएगा।
मृत्यु के बाद एक राक्षस के रूप में फिर से जन्म लोगे तुम। ये मेरा शाप है तुम्हें। दया महर्षि दया, मुझे अहंकारी पर दया कीजिए, मुझे अज्ञानी को क्षमा कीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, किंतु क्या मेरी एक भूल मेरे जीवन भर की तपस्या और भक्ति को व्यर्थ कर देगी? मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा कर दीजिए। नहीं, व्यक्ति को अपने कुकर्मों के साथ साथ सुकर्मों का भी फल अवश्य प्राप्त होता है। कुकर्म का परिणाम तुम जान चुके हो, सुकर्म के फल स्वरूप तुम्हें वो प्राप्त होगा जिसकी अभिलाषा बड़े बड़े संत महात्मा किया करते हैं। तुम्हें मुक्ति मिलेगी, स्वयं तुम्हारे आराध्य प्रभु श्री नारायण के हाथों। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। परमात्मा के द्वारा मरण होने के कारण मोक्ष प्राप्त होगा तुम्हें। महर्षि दुर्वासा ने तुम्हें आश्वासन दिया था शास्त्राक्ष, इसीलिए मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। कान्हा, अब ठीक तो है ना? कान्हा, कहाँ चला गया तू? कान्हा, कहाँ चला गया तू? मैं यहाँ हूँ मैया। ठीक तो है ना? कान्हा, कहाँ चला गया तू? कान्हा, कहाँ चला गया तू? मैं यहाँ हूँ मैया। कान्हा, कान्हा के मोर मुकुट का पंख। ये तो कान्हा के मोर मुकुट का ही पंख। ये यहाँ कैसे? केवल मेरे मन में ही ना, मेरी आंखों में भी बस हुए मेरा कान्हा। ये उसके मुकुट का ही पंख है और उधर जाए हुए। चल। कान्हा! सहायता, सहायता चाहिए मुझे, सहायता चाहिए मुझे। मिल गया संकेत। चिंता मत करो भैया, अब ये बहन सब संभाल लेगी। कान्हा, कान्हा, मेरा कान्हा, मेरा लल्ला, मेरा कान्हा, तू ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो ना तुझे? कुछ ना हुआ लल्ला को, ठीक है, सब कुछ ठीक है। कहाँ चला गया था अपनी मैया को छोड़ के, बोल। हाँ माई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लल्ला को बचा लियो, बहुत बहुत उपकार आपका। पर आप यहां? जब तुम
कान्हा को ढूंढने निकली थी तो मैं भी पीछे पीछे निकल गई थी इसे ढूंढने। जेनेट खट यहाँ मिलो है मुझे, किंतु फिर यहाँ कैसे? यशोदा जी प्रश्न उत्तर का समय ना है, चलो घर चलते। थकान भूख न जाने क्या क्या सह रहो होगो ये नन्ना सा लल्ला। जाओ जाओ घर जाओ, इसे और तुम सबको विश्राम करने की आवश्यकता है। उतना काकासुर शक्तासुर अब तृणावर्त अब बस भी कीजिए, संभालिए अपने आप को, पीछे थोड़ा सा जल पीछे। उतना काकासुर तृणावर्त स्वामी को क्या हो गया? तुम भी सहस छोड़ दोगी तो महाराज को कौन संभालेगा? चिंता मत करो, महाराज को धक्का लगा है, वो ठीक हो जाएंगे। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मैं महाराज को छोड़ के नहीं जाऊंगी। महाराज स्वामी आओ। नहीं स्वामी, होश में आइए। अस्ति, मैंने कहा ना चलो। नहीं, मैं स्वामी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं, छोड़ो मुझे। चलो छोड़ो मुझे। न जाने क्या क्या उड़ गयो, हानि धीरे धीरे पता चलेगी। कितों के तो घर भी उजड़ गए, मेरे घर का तो पूरा दरवाजा ही टूट गयो, ना इस हीरे से जोड़ना पड़ेगा। आप चिंतित मत हो मैया, अब सब ठीक है। मेरा लल्ला अकेला था यार, इतने विनाश का सामना अकेले क्यों है इसने? मुझे कितना भयभीत हो गया होगा इसे सब देख के। मुझे किसी असुर से भय नहीं लगता मैया, मेरा भय तो बस यही है कि आप भयभीत ना हो जाओ और विचलित होकर कोई निर्णय ना ले लो। मेरे कारण हुआ है जी सब, मैंने अकेला छोड़ दिया था इसे। आप ले लो जी से, मैं इसकी मैया कहलाने के लायक ही ना हूं। यशोदा जी क्या कह रही हो तुम, ऐसा कछु ना है जे हो गो सो हो गो, जाने दो उस बात को। ना भूल तो हुई है मुझसे, कौन सी माँ अपने लल्ला को ऐसी चक्रवात में अकेला छोड़कर भीतर चली जाती है? उस दिन सुमति और संकरी मौसी उज्जवल को भूलकर चली गई थी, कितना क्रोधित हुई मैं उन पर, और आज मैं अपने ही लल्ला। यशोदा तुम्हें पता है कि भूल को भूल क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसे शीघ्र ही भुला देना चाहिए। वैसे भी नारायण की कृपा से हमारा कान्हा बिल्कुल ठीक, कछु ना हुआ उसे। हो तो सकता था ना जी, जब जब कोई शुभ अवसर आता है तब तब कोई ना कोई संकट आ ही जाता है। उचित कह रहे थे आप, हमें भव्य उत्सव करना ही ना चाहिए, इसी कारण से मेरे लल्ला को दृष्टि लग जाती है। सच्ची बात तो ये है कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी,
जो मैं हट करती थी, पर अब ना, आज के बाद इस भवन में कोई बड़ा उत्सव ना होगा, कोई आमंत्रण ना जाएगा, कोई घी के दिए ना जलेंगे और कोई मिठाइयां ना बटेंगी। अपने लल्ला की रक्षा के लिए अपनी प्रसन्नता पर पहरा बिठा लूंगी मैं। तुम्हें जो ठीक लगे तुम करो, पर अभी शांत हो जाओ। कैसे नंद जी, कैसे शांत हो जाऊं? आज ऐसे लगो जैसे कोई बहुत बड़ी विपदा मेरे कान्हा के पीछे पड़ गई है। मुझे अपने लल्ला की रक्षा के लिए और सतर्क रहना चाहिए, और मैं उनकी भूल पे भूल किए जा रही हूं। बाबा, अब सत्य आपको पता चल गया है। अब आपको ही मैया को शांत करने के लिए कुछ करना होगा। माँ की ममता के आगे मैं भी विवश हूँ। इस बार तो आपको ही मेरी सहायता करनी होगी। आप सही कह रहे हैं बाबा, पर मैं करूँ क्या? तुम सब क्या देख रही हो? हाँ, कोई उत्सव ना हो रहा है यहाँ। इस मैया को अपने लल्ला का ध्यान रखना आता ही ना है। कान्हा की मैया कहलाने के योग्य ही ना हूँ मैं। हटो। मैया, मैया, मैया। उंगलियां है पंथ जिसकी, ग्रंथ जिसकी, जननी। क्या कही तूने? फिर से बोल। मैया, अनंत उसकी, तुम सब में इसने पहली बार मुझे मैया कह के पुकारो है। सुलक्षणा, जानकी कस्तूरी सुना ना? हाँ जी, सुना ना आपने? इसने पहली बार हमें मैया कहा। सुनो यशोदा, पर आज तुम भी सुन लो। आज के बाद ये संदेह कभी मत करना कि तुम लल्ला की मैया कहलाने के योग्य ना। जिस सबको सुनने के लिए इतनी तपस्या, इतना पूजा पाठ, इतने जतन किए हमने, उस सबको सुनकर मेरा हृदय फूले ना समारोह है। मन कर रहा है कि उत्सव हो ना, उत्सव ना होगो। आज मेरे लल्ला ने मुझे पहली बार मैया कह के पुकारो है। इसका अर्थ तो यही है ना कि मुझे इसकी मैया बनने का कर्तव्य
और अच्छे से निभाना है। आज जो विनाश हुआ है ना, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। वो क्या है, कौन है, वो सब मैं ना जानती, किंतु इतना अवश्य जानती हूं कि मेरा लल्ला संकट में है और इसीलिए मैंने एक निर्णय लिया है। कैसा निर्णय है सुधा? यही कि अब से मैं कान्हा को घर के भीतर ही रखूंगी। हाँ, क्या? सुधा, कान्हा की सुरक्षा के लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता ना है। आवश्यकता है नंद जी, बस यही भय था मुझे कि आप विचलित होकर आतुरता में कोई निर्णय ना ले लें। यशोदा, यदि लल्ला बाहर ना जाएगो तो तू संसार के बारे में कैसे सीखेगो, कैसे पता चलेगा उसे? आप बता देना, किंतु आज के बाद मेरा लल्ला नंद भवन के देहरी के बाहर पाँव ना रखेगो। इतना कड़ा निर्णय मत लो मैया। आज से हर समय मेरी आंखों के सामने रहेगा मेरा कान्हा। सोते जागते इस पर दृष्टि रखूंगी मैं, जो भी आवश्यक होगा मैं सिखाऊंगी इसे। प्राप्ति नहीं, नहीं प्राप्ति। यही सिखाया था मैंने तुम्हें? हाँ, कहा था ना मैंने तुम्हें कि उन पर नियंत्रण रखो, ध्यान रखो उनका। भय का बहुत बड़ा असर पड़ता है उनपे। शीघ्र ही पराजय को अपने मन में बिठा लेते हैं वो। परिस्थिति यदि उनके पक्ष में रही तो उनसे बड़ा सिंह उस वन में कोई और नहीं, और यदि विपक्ष को सफलता मिलने लगे तो निडर सिंह को गीदड़ बनते वक्त नहीं लगता। देखो उनकी दशा, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें सब कुछ सिखाया था मैंने? हाँ, क्या करना है, कैसे सुझाव देने हैं, क्या मंत्रणा करनी है, सब समझाया था मैंने तुम्हें, पर तुम असफल रही। देखो उन्हें कैसे पराजित जुआरी की तरह अपना सारा साहस गवाकर शीश झुकाकर नीचे बैठे हैं वो। जानती थी मैं कि दूसरी पत्नी बनूंगी, लेकिन फिर भी उनसे विवाह किया मैंने। पता है क्यों? क्योंकि महारानी बनना था मुझे, जीवन का सुख चाहिए था मुझे, सत्ता की शक्ति चाहिए थी। पर अब उस विष्णु अवतार के कारण लगता है कि हम दोनों शीघ्र ही विधवा बन जाएंगी। सुनो जी, मेरी एक विनती है आपसे, मना मत ही करना। आप जो कर रही हूं वो करने दो, बस आप आज्ञा दे दो। मैया ने निर्णय ले लिया है। जो तुम्हें उचित लगे तुम करो यशोदा। महाराज कंस की मृत्यु के बाद उनके सहयोगी मंत्री सेनापति हम दोनों के साथ क्या करेंगे? नोच कर खा जाएंगे वो हम दोनों को, और ये सब होगा तुम्हारे कारण। अस्ती नहीं, क्षमा, मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति। क्षमा कायरों की लज्जा होती है अस्ती। मुझे चाहिए साहस का शस्त्र और कुटिलता के अस्त्र। जानती हो मैं महाराज को क्यों नहीं संभालती? क्योंकि मुझे भय लगता है, महाराज से नहीं अपने क्रोध से, क्योंकि बात अगर आगे बढ़ गई तो तलवारें मयान से बाहर निकल आएगी, या तो महाराज की मृत्यु होगी या तो मेरी। मुझे क्षमा कर दो प्राप्ति, बताओ मैं क्या करूं?
तुम बस मौन धारण करो मौन। अब कुछ कहना नहीं, करना पड़ेगा। महाराज कंस के आत्मविश्वास को फिर से जगाना होगा। उन्हें ये विश्वास दिलाना होगा कि वो मथुरा नरेश कंस है और वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। वही है कृष्ण। कितने वर्ष बीत गए तुम्हारी प्रतीक्षा में। हर सुबह लगता था कि तुम आज मिलोगे, पर तुम कभी नहीं आए। आज फिर आशा बांधी है, तोड़ मत देना कृष्ण। वर्षों से तुम्हारे लिए योजना बनाकर रखी है मैंने, आज उसे पूरा अवश्य करूंगी। मैं अपने वर्षों की प्रतीक्षा का अंत करूंगी आज। आओ कृष्ण, ये हाथ तुम तक पहुंचने के लिए तड़प रहे हैं, बाहर आओ। आओ कृष्ण आओ। आज भी निराश कर दिया। कब आएगा वो दिन जब तुम मेरी पहुंच में होगे? कब? सारा संसार आपके दर्शन करके अपना दिन आरंभ करता है, पर क्षमा करियो सूर्यदेव, इस मैया के मन को तो शांति केवल अपने लल्ला के मुख के दर्शन करके मिलती है। हे तुलसी मैया, आप तो इस मैया की दुविधा अवश्य समझोगे। आपको तो पता है ना, नित्य के जैसे आज भी कान्हा बाहर जाने के लिए हट करेगा या फिर किसी ना किसी प्रकार से मुझे मनाने का प्रयास करेगा। इसीलिए इतनी शक्ति दो मुझे कि मैं उसकी मनोहर बातों की फेर में ना आऊं और आज फिर से उसे मना कर पाऊं। अब करेगी जसोदा अपने कान्हा के मुख के दर्शन और फिर खोलेगी अपनी आंखें। होर हो गई कान्हा, चादर से बाहर निकल और अपनी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट दिखा दे अपनी मैया को। मेरा मुंह देख के चिल्लाए क्यों? नहीं, वो तुम इतने भयानक लग रही हो क्या मैं? ना,
आज तो तुम प्रतिदिन की अपेक्षा अधिक सुंदर लग रही हो। लग रहे हो मानो भोर की किरणें सूर्यदेव से नहीं तुमसे फूट रही हो। झूठी प्रशंसा मत करो आप, और ये बताओ मेरे लल्ला के बिछौने पे आप क्या कर रहे हो? अरे तुम्हारे लल्ला नहीं गई थी उसके बिछौने पर सोने के लिए, ताकि वो तुम्हारे साथ सो सके। अब जाकर उसकी शैतानी समझ में आई मुझे, और ये शैतानी अच्छी लग रही है मुझे। आज सर्वप्रथम तुमने मेरो और मैंने तुम्हारो मुख देखा, लग तो है आज को दिन प्रेम के रस में भीग कर मीठा हो जाएगा। दिन तो तब आरंभ होगा पतिदेव, जब आप मेरे लल्ला का बिछौना छोड़ोगे और बताओगे कि कान्हा कहाँ है। ये तो रहा कान्हा। मैं तो केवल इतना जानती हूं कि हमारा नन्ना सा पुत्र अब नन्ना नहीं रहा, 4 वर्ष का बालक बन चुका है। 4 वर्ष का होगा है, फिर भी अपनी मैया के साथ प्रतिदिन ऐसी शैतानी करता है आपका लल्ला। मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या? अब क्या मुझे ताकते रहोगे कि उसे ढूंढोगे भी? जे मिलेगा तो मुझे ही। इतने वर्षों में ना इसके सारे छुपने के स्थान पता है मुझे। काना, कहाँ छुप गए जी आज? मिल क्यों ना रहो? लल्ला, सुबह सुबह मैया के चरणों में फूल चढ़ाने का आनंद ही कुछ और है। उसे पता था उसकी मैया यहाँ ढूंढेगी। देखो जी कितना प्यारा है मेरा लल्ला। मेरा लल्ला? और नहीं तो क्या? अच्छा, मतलब शैतानी करे तो लल्ला मेरा, और प्यार उमड़े तो लल्ला तुम्हारा। वाह, आपसे तो बातें करा लो बस, उसे ढूंढने का दायित्व मेरा, और आप इससे अच्छा शांति से बैठ जाओ। ठीक है तो मैं बैठ जाता हूँ। आप सच्ची में बैठ गए? हाँ? ठीक है, मैं कान्हा को स्वयं ही ढूंढूंगी। लल्ला, ये बाबा ने अच्छो करो, अब होगी मेरी योजना पूरी तरह से सफल। जे बाहर गया है क्या? ना ना, उसने आज तक बाहर की दिशा में पाँव भी ना धरो है, तो आज क्यों जाएगा भला? पर जे गाँव कहाँ है? वो क्या है? ये अंग वस्त्र है हमारे पुत्र के लिए। आपके लल्ला का अंग वस्त्र? ये मैंने बनाया है अपने नटखट कृष्ण के लिए।
पर ये उसे ठीक से आएगा? वो कैसा दिखता है, लंबाई कितनी है, ये तुम्हें कैसे पता? मुझे पता है स्वामी, मेरे मस्तिष्क के पटल पर उसकी छवि अंकित है। अपने हृदय में मैंने उसे बड़ा होते हुए देखा है। तब तो मुझे भी बताओ देवकी, कैसा है वो, कितना नटखट है वो देवकी? बहुत नटखट होगा वो, तू अब तेरी जैसी शैतानी ना चलेगी, समझो? स्नान ध्यान करना है कि ना? बताओ ना देवकी, कैसा दिखता है हमारा पुत्र? अलग ही आभा, तीव्र प्रभा है, सूर्य से दमके ऐसी त्वचा है। मुख सांवला है उसका, इतना सलोना कि कोई भी देखे तो मन आनंद से भर जाए। भैया जल इतना ठंडा क्यों होता है? ताकि मेरे लल्ला को स्नान करने में आनंद आए। केश घुंघराले, इतने घने जैसे सावन की काली घटाएं, आंखों में तेज है इतना प्रबल जैसे खिल गए हो दो कमल, और बातें जो दिखता है वो क्या है, क्यों है, कैसे, चाहे कि क्षण भर में सब जान जाए, जिज्ञासा इतनी कि चकित कर जाए। उसके प्रश्नों में जगत भर का कौतुक समाए। माया और क्यों होती है? क्योंकि सूर्यदेव रथ पर चढ़कर भ्रमण के लिए निकलते हैं। पर सूर्यदेव भ्रमण पे क्यों निकलते हैं? सारे प्राणियों को प्रकाश देने के लिए। सूर्यदेव का प्रकाश पीले रंग का क्यों होता है? क्योंकि मेरे लल्ला की धोती पीले रंग की है। अच्छा मैया, सूर्यदेव गोल क्यों होते हैं? क्योंकि मेरे लल्ला की बातें गोल गोल है, अभी सीधा है। पर मैया, तेरा अंगवस्त्र कहाँ रखूं मैंने? वस्त्र और आभूषण के साथ यही तो रखा था, कहाँ गयो? कितना अच्छा होता यदि ये वायु उसे उड़ाकर तेरे कृष्ण तक ले जाती। जो यहां रखा था मैंने, इतनी सुंदर कलाकारी, इस पर मेरी दृष्टि क्यों ना पड़ी? इसे पहन के तो तू और भी सुंदर लगेगा लल्ला। अच्छा पर मैया, बस कान्हा, अब और प्रश्न स्थिर रहे और मुझे ये पहनाने दे। पीली पोशाक में जब वो मोर मुकुट पहनकर तैयार होता है तो चल अब खड़े होके दिखा मेरा काना कैसा लग रहा है। तो क्या देवकी, कैसा लगता है कृष्ण जब मोर मुकुट के साथ सज धज कर तैयार होता है? बिल्कुल श्री नारायण जैसे, बिल्कुल श्री नारायण जैसे।
कृष्ण का वर्णन करके तुमने मुझे भी एक नई आशा दे दी। जब तक प्रभु है आशा है, आशा है कि एक दिन आएगा जब हमारा पुत्र कारागार के समान इस कक्ष से मुक्त करके हमें बाहर ले जाएगा, जब कंस के अत्याचारों का अंत करेगा वो। महाराज कंस पधार रहे हैं, जय जयकार आरंभ करें। महान सम्राट मथुरा नरेश महाराज कंस की जय। महाराज कंस की जय। महाराज कंस की जय। महाराज कंस की जय। महाराज कंस की जय।
अस्ति। सभी सभासद उपस्थित है यहाँ? जी महारानी। तो क्या सूचना है? मासिक कर इकट्ठा करवाकर राजकीय कोषागार में जमा करवा दिया गया है महारानी। लगता है हमें शीघ्र ही अतिरिक्त कोषागार की व्यवस्था करनी पड़ेगी। नए अस्त्र शस्त्र भी आ चुके हैं महारानी, पहले से कहीं अधिक तीव्र धार वाले और कहीं अधिक शक्तिशाली। हमारे सबसे अच्छे योद्धाओं ने स्वयं परखा है उन्हें। क्या हुआ अकलासुर? तुम्हारे पास राज्य को देने के लिए कोई सूचना नहीं है? सूचना तो अवश्य है महारानी, पर पहले महाराज के बारे में सूचना जानना चाहता हूं मैं। मुझे पता है मेरे पीछे कौन है। मैया। आपको हर बार कैसे पता चल जाता है मैया? आपकी आंखें चारों ओर देख सकती है क्या? छुपा के प्रभु। बता क्या चाहिए तुझे? लड्डू चाहिए। पेड़े चाहिए? तब तो पक्का माखन चाहिए होगा तुझे ना? अब तो फिर तू ही बता दे कान्हा, क्या चाहिए मेरे लल्ला को? मुझे कछु चाहिए नहीं मैया, मैं तो कछु देने आया था। अच्छा तो दे फिर। आगे बढ़ाओ। ये आपके लिए बनाए हुए हैं मैंने। सच्ची? कान्हा जी तूने बनाए हैं? तो बांध भी तू ही बांध पाए को? लाओ। मैया जितना सरल लगा था उतना सरल ना है, बहुत कठिन है। तो क्या होगा? कान्हा की हर कठिनाई को सरल बनाने के लिए उसकी मैया है ना, मैं बांधती हूँ।
पूरे टच क्यों होते हैं? क्योंकि वो तेरे जैसे सुंदर सुंदर होते हैं। पर ये फूल आते कहाँ से हैं? पौधों से। सारे फूल पौधों से ही आते हैं? हाँ नल्ला। मैया, पर पौधे तो सभी हरे रंग के होते हैं, तो फिर फूलों में भिन्न भिन्न रंग कहाँ से आ जाते हैं? बताओ ना मैया। बहुत प्रश्न पूछने लगो है तू, मुझे कार्य करने दे। मैया बस एक अंतिम प्रश्न पूछूं? पूछ। आज ही पूछेगा ना लल्ला कि सदानंद जी को बुलवा के मुहूर्त निकलवाऊं? मैया मैं पूछ रहा था कि मैं आज बाहर जा सकती हूँ? सवेरे से मुझे इसीलिए फूल दे रहे है ना कि मैया प्रसन्न हो के हाँ बोल दे। आपने हाँ कह दी? ना कही है कान्हा, कड़ी ना। सुन भी ले और मस्तिष्क में डाल भी ले। पर तुझे बाहर जानो ही क्यों है? अपने मित्रों के साथ खेलने मैया। तो खेल तो तू यहाँ भी सकतो है। अपने मित्रों को फिर से यहाँ बुला ले। सच्ची मैया बुला लो? गोकुल के राजकुमार की मैया हूँ, झूठ क्यों बोलूंगी? मैं तो ये भी सोच रही थी लल्ला कि अपने राजकुमार के मित्रों के लिए कुछ विशेष बना लूं। अब बात अच्छी हो मैया, अभी बुला दूँ। संभाल के।